व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक का फजलो करम होगा। तो खाना विद रुखसाना में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ आई हूँ, इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो मैं आज अपने किचन में क्या बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ जी ट्राइंगल चिकन, क्रिस्पी ट्राइंगल। आप ट्राइंगल तो आपने सुने होंगे, मैथ में बच्चों को रिकॉग्निशन करवाई जाती है ट्राइंगल की, स्पेशली इन पीजी क्लास। तो पीजी के बच्चों की जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स दे के उनको ट्राइंगल की रिकॉग्निशन करवा सकती हैं बड़े इजीली, और बहुत जल्द वो सीख जाएंगे और ये खाने में उतने ही मज़ेदार होंगे जितने के देखने में। तो इसके लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चिकन है। मैंने तकरीबन 5 से 7 चिकन के क्यूब्स थे बोटी फॉर्म में जो होती है, उसको मैंने बॉयल किया है बोनलेस को, और इसको श्रेड फॉर्म में कर लिया है। इसी तरह 2 आलू हैं बड़े वाले, वो मैंने उनको बॉयल कर लिया नमक डाल के। थोड़ा सा धनिया चाहिए, 3 हरी मिर्ची है मैंने राउंड फॉर्म में काट लिए। अब इसमें ड्राई फॉर्म में स्पाइस क्या चाहिए, सुरख मिर्च है चम्मच का 1/4 हिस्सा, नमक हसबी ज़रूरत है, गरम मसाला जो है चम्मच का 1/4 हिस्सा है, इसी तरह खुश्क धनिया और ज़ीरे का जो पाउडर है वो भी चम्मच का 1/4 हिस्सा है, और ये जी ब्लैक पेपर है, और इसके साथ ये लहसुन का जो है हमारा पाउडर है। तो इन सब चीज़ों को एक बाउल में डाल के मैं अच्छी तरह से हैंड वॉश करने के बाद मिक्स कर लेती हूँ। इस मटेरियल को देखें कितना खूबसूरत है और कितना स्पाइसी और मज़ेदार है। बच्चों के हिसाब से स्पाइस डालें, ज़्यादा नहीं डालें, ये इवनिंग स्नैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर डाला है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। ये जस्ट बाइंडिंग के लिए है, तो अब मैं इनको आपको इसकी शेप्स बना के दिखाती हूँ। ट्राइंगल हमारा रेडी है इस मिक्सचर का। इस पर मैंने ब्रेड क्रम लगाए हैं, ये विदाउट ब्रेड क्रम्स दिया है मैंने आपको दिखाने के लिए। तो इस फॉर्मेशन में आपने बना लेने हैं, और उसके बाद इस तरह आपने ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम की रेसिपी मेरे चैनल पे आ चुकी है, तो वो काइंडली आप उसका देख सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे ट्राइंगल चिकन क्रिस्पी ट्राइंगल रेडी हैं। इसकी फॉर्मेशन पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है, और ये देखें कितनी खूबसूरती से ये बनाए गए हैं। इंशाल्लाह ये खाने में उतने ही मज़ेदार होंगे, तो ज़रूर बना के दीजिएगा, खुद भी खाइएगा बच्चों को भी दीजिएगा। ऑयल हमारा गर्म है, तो इसमें हम डालते हैं चिकन ट्राइंगल क्रिस्पी ट्राइंगल। बिस्मिल्लाह, ये देखिए चिकन को बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने जस्ट ऊपर से पकाना है। अंदर वाला हमारा सारा मटीरियल पका हुआ है। तो ये मैंने अगेन रिपीट करने लगी हूँ बात को, छोटे बच्चों को पहचान के लिए शेप्स की। आप इस फॉर्मेशन में आप उनको लंच बॉक्स दे के उनको बता सकते हैं कि ट्राइंगल जो है उसकी रिकॉग्निशन कैसी है, तो वो उनको इंशाल्लाह साथ वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और साथ ही वो इसको लर्न कर लेंगे। तो ये इस फॉर्मेशन में हम सारा डाल देते हैं। तो ये देखें जी हमारे क्रिस्पी जो है ट्राइंगल चिकन ट्राइंगल रेडी हैं। तो इस तरह हम करके तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें कितनी क्रिस्पी हमारे चिकन ट्राइंगल रेडी हैं। तो अभी आपको इसको हम इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, इसकी सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, लेकिन आप इसकी लुक देखें, इसका क्रंच देखें, आपको फील हो रहा होगा, इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो एक दफ़ा बना के देखिएगा, और जैसे ही आपने इसकी फॉर्मेशन करनी है इसको साथ ही आपने फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करना, इसको लाइट शैलो सा फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट सा ऑयल डाल के। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी भी आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगी, और आपका बहुत शुक्रिया जो आप इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट सेंड करते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, ज़िंदगी और सलामती रही, तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो तब तक इस दुआ के साथ इजाज़त लेती हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरन बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।